अरविंद सिंह हम रिएक्शन पढ़ रहे थे उसी सीरीज के आगे है रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद एसोसिएट बड़ा इम्पोर्टेंट है क्यों इम्पोर्टेंट है आपको थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा कि इसकी इम्पोर्टेंस क्यों बढ़ जाती है वैसा कि एल्कोहल का रिएक्शन है किसके साथ ये एसोसिएट को बोलते हैं थायोनील क्लोराइड तो इस रिएक्शन में भी एल्कोहल थायोनील क्लोराइड से रिएक्शन करके एल्काइल हैलाइड ही बनाता है और बहुत सारा रिएक्शन पीछे भी हमने पढ़ा कि जिसमें एल्कोहल रिएक्शन करके PCl5 रिएक्शन करके एल्काइल हैलाइड ही बनाता था इसमें भी एल्काइल हैलाइड ही बनाएगा लेकिन मैं कह रहा हूं ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्यों इंपॉर्टेंट है जरा हम इस बात का चर्चा करेंगे क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है आप देखो एल्कोहल है हमारे पास और एल्कोहल से हमको एल्काइल हैलाइड बना रहे हैं बोले तो RCl एल्कोहल से एल्काइल हैलाइड बना रहे हैं तो एल्कोहल से आखिर एल्काइल हैलाइड बनाने की इतनी रिएक्शन को पढ़ना क्यों पड़ रहा है देखो जी एल्कोहल जो है ना बड़ा ही इनएक्सपेंसिव है बड़ा ही सस्ता कंपाउंड है और अवेलेबिलिटी जो है इसकी उपलब्धता है हर जगह पे अवेलेबल है तो ये एक आसान कंपाउंड है और उसके बाद में आपको बात करूंगी अनरिएक्टिव होता है बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता है ये जो एल्कोहल से एल्काइल हैलाइड बनता है ना ये बड़ा कमाल का कंपाउंड हो जाता है ये ज्यादा रिएक्टिव है ये अनरिएक्टिव है ये RCl और एल्कोहल में ज्यादा रिएक्टिव ये है RCl अब क्यों रिएक्टिव हो जाता है इसका सिंथेसिस केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होता है बहुत ज्यादा मतलब कि एक चीज से दूसरी चीज बदलने में इसका यूज बहुत ज्यादा होता है कैसे मैं आपको बात बताऊं RCl है डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस है इस पे Cl इज अ मॉडरेट लिविंग ग्रुप एक्सटर्नल अटैक से बाहर निकल सकता है बेशक अब मैं ले रहा हूं क्या कोई भी न्यूक्लियोफाइल ले लूं अगर कोई भी न्यूक्लियोफाइल तो ये जाकर के इस पे अटैक करेगा और ये बाहर निकल लेगा यहां पे न्यूक्लियोफाइल बदलते रहेंगे और अलग अलग कंपाउंड अलग अलग प्रोडक्ट उनको मिलता रहेगा जरा सुनना मैं क्या कह रहा हूं ये न्यूक्लियोफाइल इस जाके R पे अटैक करेगा ये Cl बाहर निकल जाएगा और R Nu जुड़ जाएगा Nu बदलता रहेगा प्रोडक्ट यहां से बदलते मिलेंगे Nu बदलेंगे प्रोडक्ट बदल जाएगा Nu बदलेंगे प्रोडक्ट मतलब न्यूक्लियोफाइल बदलेगा तो प्रोडक्ट बदलते हुए न्यूक्लियोफाइल के साथ साथ हमारा प्रोडक्ट भी बदलता हुआ मिलेगा ढेर सारे रिएक्शन देते हैं मतलब ये सिंथेसिस केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाते हैं बहुत ज्यादा लुक्रेटिव हो जाते हैं तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है अब सर एल्काइल हैलाइड इंपॉर्टेंट है हमारे लिए सिंथेसिस केमिस्ट्री के लिए एल्काइल है और ये एल्काइल हैलाइड बन किससे जाता है एल्कोहल से जो कि बहुत इनएक्सपेंसिव है बहुत सस्ता कंपाउंड है हर जगह पे अवेलेबिलिटी अच्छी है इसको इसको कैरी करने बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है आसानी से कहीं पे रख सकते हो तो एल्कोहल से एल्काइल हैलाइड बनता है अब चूंकि ये हर जगहों पे उपलब्ध है ये नहीं जगहों पे उपलब्ध है ये कम रिएक्टिव है ये ज्यादा रिएक्टिव है तो एल्कोहल से एल्काइल हैलाइड बनाना हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है इसलिए हम बहुत सारा तकनीक पढ़ रहे हैं बहुत सारा तरीका पढ़ रहे हैं बहुत सारा टेक्निक पढ़ रहे हैं कि कैसे एल्कोहल से एल्काइल हैलाइड बनाया जाए है ना जैसे कि जस्ट इसके पीछे वाला रिएक्शन हमने पढ़ा था रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद PCl5 उसमें भी एल्काइल हैलाइड बना था इसमें भी एल्काइल हैलाइड ही बनेगा लेकिन PCl5 वाले तो इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसा क्यों बोल रहे हो सर कि बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है वेरी इंपॉर्टेंट क्यों चलो आपको समझ में आ जाए उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है मतलब कि हर एल्कोहल से एल्काइल हैलाइड बनने वाले रिएक्शन इंपॉर्टेंट है क्यों देखो आपको बहुत बार मिल रहा है एल्कोहल मैंने किसी भी चीज एल्काइल हैलाइड बन रहा है किसी भी चीज से रिएक्शन करके एल्काइल हैलाइड बन रहा है एल्काइल हैलाइड बन रहा है जैसे हमने कीटोन के साथ रिएक्शन करके एल्काइल हैलाइड बनाया जिम्नल डाइहाइड तो ढेर सारी चीजों से मिल रहा है ये इसको रिएक्शन तो चलो छोड़ो उन सारी बातों को ये मिल गया आपको एल्कोहल मिल गया और ये थायोनाइल क्लोराइड SOCl2 है ये रिएक्शन करने के लिए दे दिया गया है क्या रिएक्शन परफॉर्म होगा रिएक्शन परफॉर्म होने के लिए रिएक्शन प्रोसीड होने के लिए रिएक्शन होने के लिए चाहिए क्या होता है वहीं पे इलेक्ट्रॉन डिफिशियंस सेंटर चाहिए होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो और कहीं पे इलेक्ट्रॉन की जानती इलेक्ट्रॉन इफिशियंट सेंटर चाहिए
मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन दे सके उस इलेक्ट्रॉन कमी वाले जगहों पे। तो आपको लग रहा है कि सल्फर के पास वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है, क्या इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला है इसका? मतलब हाँ सर, ये एल्कोहल का लोन पेयर है, ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा देगा, तो ये पाई बॉन्ड खुलेगा, लेकिन चूंकि लिविंग ग्रुप है तो बंद भी होगा और बाहर निकल लेगा लिविंग ग्रुप। चलो परिणाम लिख लेते हैं जरा इसका, एच सी एच थ्री डी ओ एच प्लस, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दिया तो ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज, सल्फर डबल बॉन्ड ओ सी एल और Cl- बाहर निकले, यहां से जो लिविंग ग्रुप Cl- ले किया। आपको लग रहा है कि अब कुछ होगा कंटेनर में, अब कंटेनर में हमारे पास ये है, क्या कुछ हो सकता है? अरे सर ये हाइड्रोजन बहुत ज्यादा एसिडिक है, Cl- आएगा और इस एसिडिक हाइड्रोजन को ले जाए। चलो सर इसकी परिणाम लिखते हैं, एच सी एच थ्री डी O, S, O, C. बस यहां से क्या निकल गया, HCl। आपको मैं बताऊं हाइड्रोजन क्लोराइड रूम टेम्परेचर पे गैस होता है, गैसियस फेज में होता है, HCl गैस निकल गया हमारा। अब आ जाओ यहां पे, क्या किया हो सकता है सर? देखो बच्चे ये ऑक्सीजन का लोन पेयर, रेजोनेंस से इधर जा रहा होगा तो ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज डेवलप हो रहा होगा। अब चूंकि ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज डेवलप होगा तो इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी इंक्रीज कर जाएगी, और जब काफी इंक्रीज कर जाएगी तो इस कार्बन से ये इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू कर देगा, मतलब कि यहाँ पे डेल्टा प्लस डेवलप हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन इधर देगा, ये खुलेगा बंद होगा और यहाँ पे लिविंग ग्रुप है, बाहर निकलने की कोशिश करेगा Cl-। तो ये बाहर निकलेगा तो बाहर निकाल दो इसको, चलो सर बाहर निकालते हैं, Cl- लिख देते हैं। ये देखो आया, खुला, बंद हुआ, Cl- बाहर निकला, Cl- बाहर निकल गया। तो क्या लग रहा है, ये ऑक्सीजन ने चूंकि इलेक्ट्रॉन दिया तो ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज बन रहा होगा। अब चूंकि ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज बन रहा है तो उसके बगल इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी बढ़ जाएगी, तो ये अपने बगल वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, सब करेगा, मतलब कि इस पे डेल्टा प्लस डेवलप होगा। अब ये Cl- जाएगा और इस डेल्टा प्लस पे जुड़ जाएगा, लेकिन जब ये चूंकि बाहर निकाल देंगे ना बच्चे, तो ये अब Cl- कहीं से भी जाके आएगा। मान लो कि ये बाहर निकाल दिए, C+ बन जाएगा, तो C+ तो प्लेनर होगा, ये ऊपर से भी अटैक कर सकता है, नीचे से भी अटैक कर सकता है, मतलब कि जिधर से ये Cl- निकला है उधर से भी अटैक कर सकता है और उसके अपोजिट डायरेक्शन से भी आके इधर से भी अटैक कर सकता है। तो यही पे समझने की बात है, यहाँ पे एक बहुत शानदार मैकेनिज्म होता है, अपने आप में अद्भुत है, अनोखा है, शानदार है। कैसे, जरा सुनना। देख बच्चे ये मान लो ये हमारा ये वाला पॉइंट है, कायरल सेंटर पॉइंट है ये, यहां से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, एस डबल बॉन्ड ओ है और ये सी एल है। अब चूंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो हुआ तो सी एल इधर से निकलना चाह रहा है, और जैसे ही ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो करना शुरू होगा इस कार्बन पे डेल्टा प्लस बनना शुरू हो गया होगा। अब चूंकि ये डेल्टा प्लस और इधर से Cl- बाहर निकलेगा तो Cl- कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट वाले पे जाकर के अटैक करना चाहेगा, तो ये जो Cl- है ये मेरी उंगली जो है Cl- ये खुल रहा है, निकल रहा है, बाहर निकल रहा है, लेकिन जैसे ही Cl- दिखेगा यहाँ पे डेल्टा प्लस डेवलप हो रहा है तो ये क्या करेगा, इस पे आएगा अटैक करने। ऐसे जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये खुलता जाएगा, एक पल आएगा जब ये पूरा ऐसे जुड़ जाएगा और ये बाहर निकल जाएगा कुछ, मतलब कि मैं कहना क्या चाहता हूं कि जिधर से ये निकलेगा उसी डायरेक्शन से Cl आके जुड़ेगा। क्या ये Cl ऐसे निकल के अपोजिट डायरेक्शन से आके जुड़ा? नहीं, जिधर से ये निकल रहा है उधर से Cl आके जुड़ रहा है, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। मतलब कि अगर ये चायरल सेंटर है तो इस सेंटर का कॉन्फ्यूगुरेशन नहीं बदलेगा, इसी को बोलते हैं हियर कंप्लीट रिटेंशन ऑफ कॉन्फ्यूगुरेशन अकर। मतलब कि अगर अगर ये एच इधर चला जाता और ये Cl जो इधर से निकला है इसके अपोजिट साइड का जुड़ा था तो बोलते कि रिटेन सॉरी इन्वर्ट कर गया, कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्टर हो गया, इन्वर्ट कर गया, कॉन्फ़िगरेशन बदल गया, लेकिन चूंकि यहाँ पे तो नहीं बदलेगा तो ये जो ये विकल्प दिखा रहा हूं मैं बार बार तोड़ तोड़ के, बाहर नहीं निकलेगा ये, बाहर नहीं निकलेगा, बाहर निकलने से पहले बाहर निकलने से पहले ये आके इसमें जुड़ जाएगा और ये बाहर निकलेगा। समझ रहे हैं बात को?
तो मैं इसको कुछ ऐसे दिखा दूं, ये तो समझने के लिए था, बुक जैसे दिखाती है वैसे मैं आपको दिखा देता हूं। होता क्या, ये इधर आता है, ये खुलता है, बंद होता है और ये इधर आकर के जुड़ जाता है। ठीक है, अब देखो हु मतलब कि निकल क्या रहा है, सीएल आगे इसमें जुड़ जाएगा ऐसा कुछ, एच सी एल सी एच थ्री डी और निकलेगा क्या, ये बोर्ड टूटा, ये बोर्ड टूटा, ये वाला बोर्ड टूटा, ये बाहर निकला SO2। क्या होता है, गैस होता है, हमारा बन क्या गया, एल्काइल हैलाइड बन गया है ना। इसमें हुआ क्या है, सीएल माइनस, अरे बच्चे इसके पास सीएल तो इलेक्ट्रॉन लेकर के नहीं आएगा ना, इलेक्ट्रॉन लेकर के आने वाले को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल है ना। ये सीएल हुआ क्या, अल्टीमेटली देखिए OH हटा, उस OH को हटा करके सीएल जुड़ गया, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, किससे सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल से, हुआ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही, ये भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही है, लेकिन वन भी नहीं है, टू भी नहीं है, ये एक स्पेशल टाइप का अपने में अद्भुत अनोखा रिएक्शन है, ये इंटरनल रिएक्शन हो रहा है, देख रहे एक ही मोलिक्यूल के अंदर हो रहा है, एक ही मोलिक्यूल के अंदर हो रहा है, तो इसको बोलते हैं SNI न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इंटरनल बोलो या फिर इंट्रामोलिकुलर बोलो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इंटरनल या इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन। ये है हमारा SNI न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इंटरनल या इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन, समझ रहे हैं। इसमें भी क्या बना, एल्काइल हैलाइड पर, अब आ जाओ उस बात पे जो मैंने बोला था कि एल्कोहल से एल्काइल हैलाइड बनने का ये बड़ा ही महत्वपूर्ण रिएक्शन है, शानदार रिएक्शन है, क्यों। तो बच्चे आप याद करो लीजेटेलियर प्रिंसिपल, लीजेटेलियर कहता है कि रिएक्शन हमेशा उधर की तरफ ही आगे बढ़ेगा जिधर या तो प्रिसिपिटेट बन रहा हो या फिर गैस बन रहे हैं, कोई गैसियस कंपाउंड गैसियस मॉलिक्यूल निकल रहा है, तो बच्चे इधर तो प्रिसिपिटेट तो नहीं बन रहा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन दो दो मोल गैस बन रहे हैं, मतलब कि दो मोल गैस बनना इस बात का सबूत रहेगा, इस बात की गवाही करेगा कि ये रिएक्शन हमेशा और हमेशा फॉरवर्ड की तरफ जाएगा, और चूंकि ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड की तरफ जाएगा तो बहुत अच्छा यील्डिंग होगा हमारे किसका, एल्काइल हैलाइड का, मतलब ये एल्कोहल से एल्काइल हैलाइड बनाने का एक बहुत ही शानदार मेथड है। इसी रिएक्शन को बुक लिखता है डार्जेंस रिएक्शन, इसको डार्जेंस रिएक्शन भी बोलते हैं, कमाल का रिएक्शन। क्या एक बार आप जरा रिपीट करेंगे चीजों को, एल्कोहल का रिएक्शन है, एल्कोहल का किसका रिएक्शन है, एल्कोहल का किसके साथ, SOCl2 थायोनाइल क्लोराइड के साथ, होता क्या है सर, एल्काइल हैलाइड बनता है, एल्काइल हैलाइड बनता है, ये बेस्ट प्रोसेस है एल्कोहल से एल्काइल हैलाइड को तब्दील करने का। अब आ जाइए ये कैसा रिएक्शन है, SNI नो SN1 नो SN2, दिस इज अ काइंड ऑफ SNI रिएक्शन। SNI बोले तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इंट्रामोलिक्यूलर और इंटरनल, तो ये SNI रिएक्शन है। इसमें होगा क्या, सबसे जो महत्वपूर्ण बात निकल के आ रही है, ओ इसमें कॉन्फ़िगरेशन बदलेगा नहीं, देखो जिधर से ये निकल रहा है उधर से आगे सीएल न्यूक्लियो मिल रहा है, और जो सीएल के कारण इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा वही आपके सीएल रह जाएगा, मतलब ये कॉन्फ़िगरेशन बदलेगा नहीं, 100% गारंटी है, मतलब कि इसमें प्योर रिटेंटेड प्रोडक्ट, जिसका कॉन्फ़िगरेशन नहीं बदलता है उसको बोलते हैं रिटेंटेड प्रोडक्ट, मिला हमको जो मिला उस प्रोडक्ट का क्या कॉन्फ़िगरेशन बदलेगा, अगर उसका आर है तो इसका भी आर होगा, अगर उसका एस है तो इसका भी एस होगा, तो यहाँ पे कंप्लीट रिटेंटेड प्रोडक्ट पाया जाता है। कंप्लीट रिटेंटेड कॉन्फ़िगरेशन गेट ऑब्जर्व, SNI न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इंटरनल और इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन, बना क्या हमारा एल्काइल हैलाइड,
क्या होता है सर, कंप्लीट रिटेंटेड कॉन्फ़िगरेशन गेट ऑब्जर्व, मतलब कि कभी भी इस रिएक्शंस में कॉन्फ़िगरेशन नहीं बदलेंगे, कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगा। तो समझ में आया होगा, एक बार और? नहीं, ठीक है, ओके, थैंक यू।